राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तंडव ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अगर आप कोई डिमांड रखते हो कि इस पे ब्लॉग बनाऊँ या कोई सवाल है वो मुझसे ज़रूर करें तो मैं आपके साथ आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी और उसके साथ जो भी कुछ है वो शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ मतलब अपने पापा की बात। तो अभी मतलब जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने हैं ज़्यादातर सबको पता है जो पहले से हैं और ख़ासकर मेरे कॉन्टैक्ट में वो। तो मेरी शादी को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। तो सारा सामान तीन था। तो ऐसे हुआ मतलब कूलर थे तो दीदी बाहर चली गई थी, शिवानी का गौना बाद में हुआ था। फिर उसके बाद ऐसे हुआ एक के बाद एक करके ही मतलब कूलर यूज़ करते रहे। जो जो कूलर मतलब ख़राब होते गए उनको ठीक कराने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है अपनी पैसों से जो चीज़ आती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं सबकी नज़रों में। और जो दूसरे की चीज़ होती है किसी की मिली हुई होती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ये स्पेशली हम लड़कियाँ ज़रूर जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारी चीज़ दहेज की होती है। मैं खुद पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, नहीं कह माना जाता कि हाँ मतलब ये अच्छी चीज़ है चाहे कितना भी अच्छा करके दे लो। हालांकि हमारा बहुत अच्छा सामान था सारा ही। तो फिर ऐसे हुआ मतलब हमारे एक एक करके तीन कूलर तीनों ख़राब हो गए। अब से 3 साल पहले 2019 में तीनों कूलर ख़राब हो गए थे। लास्ट टाइम एक तो शायद ठीक भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब तीनों कूलरों को बेच दिया, लैसी बेच दिया तो कोई बात नहीं। अब 2019, 2020, 2021, अब 2022 चल रही है। तो अब 2022 में कूलर आया। तो ऐसी मतलब पापा को बहुत टेंशन होती है। देखो हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, ये सब ये आप सब पापा को। और आपको एक बात बता दूँ, मेरे तो पापा मतलब अगर पूरे दिन में एक बार मुझसे बात नहीं कर लेते तो शायद उनका खाना ही हजम नहीं होता है। वो ज़रूर मेरे पास कॉल करते हैं। मैं कभी भूल जाती हूँ, कहते हैं ना आंधी में ही उग जाते, लेकिन मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन करना नहीं उगता। अदर उनके फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है ना तो भी मतलब विक्की या विशु या कभी कभी ऐसे होता है कि वो कॉल करते हैं मैं रिसीव नहीं कर पाती, तो उनको इतनी टेंशन हो जाती है कि मतलब प्रीति से मेरी बात क्यों नहीं हुई। एक मतलब हैबिट हो गई पापा को, सच में ही खाना ही हजम नहीं होता उनका बिल्कुल भी। तो पापा फिर मतलब उनके फ़ोनों से फ़ोन कराएंगे। एक बार ऐसे हुआ शिवानी से पापा ने कॉल कराई कॉन्फ्रेंस कॉल कि हाँ मतलब मेरी प्रीति से बात कराते, उससे मेरी बात नहीं हुई तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई। मेरा फ़ोन शायद ऊपर था, मैं नीचे काम वाम कर रही होंगी, आपको पता है किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो मैंने बात नहीं कर पाई। तो फिर पापा को इतनी टेंशन हुई, फिर मैंने जैसे ही मिस कॉल देखी फिर मैंने बैक कॉल की पापा के पास, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ पापा आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। फिर बोलने लगे मैं गुस्सा हूँ तूने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो सच में बहुत केयरिंग फैमिली है हमारी, बहुत ही हम एक दूसरे से सभी फ्रेंक हैं, आप सब जानते ही होंगे, आप सब हमारी फैमिली को जानते हो। मेरे दोनों भाई बहुत क्लोज हैं हमारे, बहुत फ्रेंक हैं, एक दूसरे से हर बातें शेयर करना। हम पांचों बहन भाई ऐसे ही करते हैं। और मैं तो स्पेशली अपनी इतनी बातें मम्मी से शेयर नहीं करती जितनी बातें अपने पापा से शेयर करती हूँ, बहन भाइयों से शेयर कर लेती हूँ। तो फिर ऐसे हुआ मतलब मेरे पापा बिल्कुल कंटिन्यू है उनका ये कि हाँ मतलब मैं ना करूँ लेकिन पापा कर लेते हैं। तो एक दिन मैंने शायद स्टोरी भी लगाई थी, मैंने स्टोरी लगाई थी कि हाँ मतलब मेरे पापा मेरे पास कंटिन्यू कॉल करते हैं चाहे मैं करूँ या ना करूँ। तो एक मेरे पास कमेंट भी आई थी, बहन आप कर लिया करो उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैं सच में अब मतलब होता है कि पापा की नहीं आती है, या फिर मुझे जैसे ही लगता है ना कि मैं अदर कुछ काम भी कर रही हूँ, मैं बात करते करते काम कर लेती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ मैंने कहा चल मैं पहले एक दिन मतलब वीडियो कॉल हुई थी तो पापा पूछते रहते हैं मुझसे बेटा तुझे गर्मी नहीं लगती? और वैसे तो देखो यहाँ पे मतलब हर चीज़ मतलब नेचुरल है, जैसे हवा भी बहुत अच्छी चलती है और शाम को तो वाकई में ही बहुत अच्छा लगता है।
अंदर कमरे में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, इतनी अच्छा नहीं लगता जितना बाहर लगता है, क्योंकि खुली हवा है अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और तो पापा को ये टेंशन होती है तू कैसे रहती है, फिर कहते चल तेरी टेंशन नहीं है, हालांकि वो ये चीज़ बोल देते लेकिन मुझे पता है उनको कितनी टेंशन होती है इस बात की। फिर कहते मेरे कान्हा जी कैसे रह रहे होंगे, मतलब मेरे बच्चों के लिए बोलते हैं दक्ष पार्थ के लिए कि उनको गर्मी लग रही होगी। तो अब मतलब हमारा कूलर आ चुका है, ये मैंने पापा को बताया तो पापा को यकीन नहीं आया। मतलब मैंने फ़ोटो भी भेजा, स्पेशली मैंने फ़ोटो भेजा जिस दिन हमारे ये आया था, हमारे आया था ये अभी आया था जल्दी में 26-25 अप्रैल को आया था 2022 में। तो मैंने ना पापा को फ़ोटो भेजी, विशु के व्हाट्सएप पे भेजी थी मैंने, पापा भी व्हाट्सएप चलाते हैं लेकिन उस टाइम ऑनलाइन नहीं थे, मैंने विशु के पास शेयर की। तो मैंने पापा को कॉल की कि मुझे पता था पापा बहुत खुश हो जाएंगे, फिर मैंने कॉल की मैंने कहा पापा देखो कुछ मैंने विशाल के पास भेजा है, फिर गए फिर देखने लगे, सोच में पड़ गए, मतलब उनको यकीन नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं ऐसी फिर मतलब बात होने लगी, फिर कहने लगे एक दिन फ़ोन पे बात कर रहे थे, फिर बोलने लगे अच्छा कूलर सच में आ गया तो झूठ बोल रही है। क्योंकि देखो हम लड़कियां होती है अपने घर का दावा दाब लेते हैं, मैं तो खासकर नहीं होता ये कि हाँ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है वो एकदम बोल देना, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में किसी वजह से हम प्रॉब्लम में हैं तो वो अपने तक सीमित रखनी चाहिए, खुशी सबके साथ शेयर करनी चाहिए और दुख हर किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान फिर वो भी परेशान हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या इस चीज़ का। तो मतलब मैं ऐसी बोल देती थी, तो फिर पापा बोलने लगे आवाज़ नहीं आती मुझे कॉल पे। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने उनको स्पेशली वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल पे पापा को दिखाया कि हाँ देखो मतलब कूलर आ चुका है, तब उनको यकीन हुआ कि हाँ सच में ही आ गया। फिर उन्होंने खुद बोला कि ठीक है तो अब मतलब मुझे यकीन है कि हाँ अब आ चुका है कूलर, उन्होंने देख लिया, जब उनको तसल्ली हुई जब उन्होंने देख लिया। तो सच में ही हम बच्चे कभी भी माँ बाप से गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी गलत सोच जाते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी कभी भी टेंशन करना नहीं छोड़ते, हमारी इतनी फिक्र होती है उनको, बहुत केयर करते हैं वो, बहुत प्यार करते हैं। तो रिस्पेक्ट करें हर कोई अपने पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स वो अनमोल चीज़ है जो हर चीज़ मिल जाती है लेकिन पेरेंट्स वापस नहीं मिलते, उनका प्यार कभी ना ठुकराए, ऐसे ही उनसे प्यार करते रहे, हम तो 1% करते वो 1000% हमसे प्यार करते हैं। तो सच में मुझे अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार है, आई लव यू सो मच। एंड मैं ये कहूँगी कि भगवान अगर मुझे इंसान का जन्म मिले तो मुझे मेरी यही फैमिली मिले, मेरे यही बहन भाई और यही मेरे मम्मी पापा। तो पापा आप फिक्र ना करो, अब तो कूलर सच में ही आ चुका है। तो ये मैंने अपनी एक इमोशनल सी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करी, आप प्लीज़ मजाक ना बनाए किसी भी बात को लेके, बस थोड़ा ये था कि मतलब शेयर करनी थी, मुझे लगा कि आप सबके साथ ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए इसलिए मैंने शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें मेरे पापा के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको ज़रूर अच्छा लगेगा कि अगर पापा के लिए कोई कमेंट होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।